हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं देव आर्यन सर एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हुआ हूं प्लेटफॉर्म कोचिंग के थ्रू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। प्रिंस कुमार गुड इवनिंग। गौतम कुमार गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गौतम जी। शनिवार को हमने एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाए थे। बहुत बच्चे जो है बोले कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, हम लोग आगे पीछे करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आप लोग के समक्ष हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका रेशियो मेथड पर आधारित होगा वो मैं आप लोग के समक्ष ले आकर आया हूँ, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। फिलहाल तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, बहुत सारे टेस्ट में मैं रेशियो मेथड का प्रयोग कर देता हूँ। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हुआ, आप ट्रिक नहीं लगाए, आप डिटेल नहीं दिए, कैसे हुआ ये। तो उसी चीज को हम देखेंगे कि कैसे ये रेशियो मेथड काम करता है। सुभाष चौरसिया एकमा से, धन्यवाद सुभाष चौरसिया जी। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ रेशियो मेथड, पहले हम उसको देखते हैं। रेशियो जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का, आपका जो है काम करता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, जैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जितने क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करते हैं, समकोण त्रिभुज पर ही काम करेंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री पे टेन 30 का मान हर कोई जानता है। टेन 30 का मान में लंब हमारा जो है 1 होता है, आधार हमारे √3 होते हैं, और अगर हम कर्ण निकाले तो आपका हो जाएगा 2, √3 1 2। मतलब अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट की तो हमारा जो रेशियो होगा ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये हमारा 2 होगा। अगर हम 45 की बात करते हैं, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में हमारा जो टेन होता है 1/1 होता है, यानी हमारा जो है लंब और आधार आपके दोनों बराबर होते हैं, 1 1, तो ये हमारा √2। ठीक है, 60 का रेशियो लेते हैं, 60, तो 60 में हमारा जो है टेन होता है √3/1, तो हमारा लंब होगा √3, ये होंगे 1 और ये हमारा हो गया 2। तो इसी प्रकार से रेशियो आपका जो है काम करेगा। आगे देखते हैं, बहुत सारे इसमें मिक्स करके दिए हुए रहते हैं 30 और 45। अगर हम कंबाइंड कर दें 30 और 45 को, जैसे कोई हाइट दिया हुआ है और यहां पे 30 डिग्री दिया हुआ है, कुछ देर बाद 45 डिग्री के बन जाता है। अब नमन कोण और उन्नयन कोण आप जानते हैं, ये हमारा एंगल अगर आंख नीचे है और वस्तु ऊपर है तो ये हमारा हो जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर वस्तु जो है ऊपर रहती है, अगर आप ऊपर रहते, यदि आंख ऊपर रहता है और वस्तु नीचे होती है, तो ये हमारा जो एंगल है वो हमारा होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ डिक्रीजन, ठीक है। अब आप देखिए दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन में आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक्छेदी रेखा, और ये एंगल हमारा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यानी आपका जो है एकांतर कोण बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, एक पॉइंट बनता है हमारा। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये डाउट में रहते हैं, 30 से 45 हो गया, 45 से 60 हो गया, 60 से फिर 30 हो गया, तो आप कैसे आगे पीछे जाएंगे। अगर आप जो है इस तरफ बढ़ते हैं तो एंगल का मान, थीटा का जो मान है, थीटा का मान बढ़ता जाएगा अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं। अगर हमारा 30 है, कुछ देर बाद 45, कुछ देर बाद आपका 60। अगर आप इस हाइट से आप अगर दूर जाते हैं तो एंगल का मान आपका घटता चला जाएगा, ठीक है। यहां पे 30 डिग्री है, यहां पे 45 डिग्री है दिया हुआ, तो ये 30 डिग्री हमारा जो दिया हुआ है, 30 डिग्री और 45 जो हमारा हाइट होता है और उतना ही बेस होते हैं, ये हमारा 1 हो गया, तो ये भी हमारा 1 हो जाता है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब 30 डिग्री में आप जानते हैं कि हाइट हमारा 1 होगा तो बेस हमारा √3 होगा। तो हमारा जो है यहां से यहां तक का जो दूरी बचता है, ये हमारा √3 - 1, ये हमारा काम करेगा। यानी आपका जो है ए से बी अगर 1 है तो बी से सी भी आपका 1 होगा, बी से डी आपका होगा √3, तो सी से डी आपके होंगे √3 - 1। विकास कुमार गुड इवनिंग, दुष्यंत कुमार सर 10 पर बताइए, 10 पर ही है, 10 हमारा जो है 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री को ही लेकर हम बता रहे हैं। 10 45 जो होता है हमारा, 10 45 आप जानते हैं, 10 45 इक्वल टू 1, बेस भी हमारा 1 होता है और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 होता है, तो 1 1। आपका 30 डिग्री है तो 30 में आप जानते हैं 30 में हमारा होता है 1 और √3, और हमको इसमें समकोण त्रिभुज में ही काम करना है। ये हमारा जो है 1 लेते हैं, तो अगर 30 के लिए हम बात करते हैं तो 1 और ये पूरा हमारा बेस √3 हो जाएगा, पूरा √3, तो ये हमारा 1, तो बचते हैं सीडी हमारा √3 - 1। ये हमने 30 और 45 का कॉम्बिनेशन किया। फिर हम देखते हैं आगे, अगर हम 45 और 60 को लेकर देखें, या इसी को हम फिगर ऐसा बना लें, एक जो है लाइट हाउस है और इसके दोनों तरफ जो है दो जहाज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पर 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा हाइट हो गया, इसका नाम ए बी सी डी। 30 डिग्री का रेशियो 45 डिग्री, किसी का भी आप पहले ले सकते हैं, 45 हमारा 1, तो ये हमारा 1 हो गया। 45 में आप जान रहे हैं कि लंब और आधार हमारे बराबर होते हैं। 30 डिग्री है तो हमारा 1 होगा, ये हमारा √3 होगा, तो टोटल हमारा कितना होगा, टोटल हमारा √3 + 1 होगा, यानी हमारा सी से डी तक की दूरी √3 + 1 होगा, और इसी पर बेस्ड हम इस पर काम करेंगे। तो ये हमारा था 45 30 30 45। अब आगे देखते हैं हम इसको, 45 और 60 लेकर हम देखते हैं, ये हमारा हो गया हाइट, दो पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम ए बी, ये आपका सी डी, 45 60। सर आपसे ही पढ़कर हम एएलपी बने हैं, आर्यन सर यू आर द बेस्ट, स्टडी अड्डा, थैंक यू स्टडी अड्डा, जिनका भी है, नाम तो नहीं है,
विकास पांडे सर साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका साउंड। ये हमारा 60 है और ये हमारा 45 है, तो 60 में आप जानते हैं 10/60 होता कितना है, 10/60 होते हमारे रूट थ्री और वन, तो परपेंडिकुलर रूट थ्री ये हमारा वन। 45 में आप जानते हैं कि जितना हमारा लंब होगा उतने ही हमारे आधार होंगे, यानी हमने जो है रूट थ्री हाइट ले लिया है तो हमारा बेस भी रूट थ्री ही होगा, क्योंकि हमारा जो है 10/45 का मान 1/1, यानी अगर हम रूट थ्री लिखते हैं इसको, इसको भी हमको रूट थ्री ही लिखना पड़ेगा तभी बराबर हो पाएंगे। ये हमारा रूट थ्री, तो ये भी हमारा रूट थ्री। अब हमारा C से D की दूरी का पता लगाना चाहते हैं, तो ये हमारा हो गया रूट थ्री माइनस वन, वन रूट थ्री, ये पूरा हमारा रूट थ्री। अब बच गए हमारे पास C और D, तो ये हमारा होगा रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। इसको हम प्लट के भी देख सकते हैं, ये हमारा लाइट हाउस इसी तरह से दोनों तरफ जहाज हो गए, और ये हमारा 60, ये हमारा 45। 60 है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट थ्री, ये वन। 45 है, 45 है तो आपका जो है लंब और आधार बराबर होंगे, तो रूट थ्री आप ले सकते हैं। यहां से वहां तक की दूरी यानी सी से डी तक की दूरी आपका हो जाता है रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप 60 ले लेते हैं तुरंत, पहले आप 60 ले लेते हैं, पहले हम 45 क्यों नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल 45 भी आप पहले ले सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शन जो है आपका जो डाटा है फ्रैक्शन में आ जाएगा, और जानते हैं आप फ्रैक्शन में आने के बाद कैलकुलेशन में बाधा पहुंचती है, इसी वजह से जिसमें आपका जो है ज्यादा क्लियर हो सके उसको पहले मान सकते हैं। तो 60 हमने इसमें पहले ले लिया रूट थ्री, ये हमारा वन, ये हमारा लंब जितना होगा उतना ही आधार होंगे, इतना हमारा दूरी हो जाएगा। 30, 45, 45, 60। अब दिक्कत बहुत बच्चे को 60 और 30 में होती है, 60 और 30 में, तो हम 60 और 30 को लेकर देखते हैं। साठ और तीस को हमारा ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये हमारा 60 दिया हुआ है, और आपको हम पहले ही बोले हैं कि आप जो है जिधर सॉल्यूशन जल्दी हो सके उसको जल्दी करना है। 60 डिग्री है तो आपको 60 को पहले लेना चाहिए, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा कितना है रूट थ्री हो गया, ये हमारे वन हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो है राहुल कुमार सर आप गुरु है मैथ के, हम पढ़ते हैं आपसे, एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर हुए हैं चेन्नई में, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल जी, कभी आइए प्लेटफॉर्म कोचिंग, आपका स्वागत किया जाएगा। 60 में हमारा रूट थ्री और ये हमारा वन, 30 डिग्री है हमारा, तो 30 डिग्री में आप देखेंगे कि हमको 30 डिग्री में 10/30 का वैल्यू होता है 1 और रूट थ्री, ठीक है। तो 1 हमारा जो है यहां लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहां पर लिख चुका हूं रूट थ्री, यानी हमको लेना है 1/√3, तो हम ले चुके हैं रूट थ्री, यानी 1 हमारा जो है रूट थ्री बन चुका है। इसका मतलब है कि हमने उसे रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा जो ये रूट थ्री लिखने वाले हैं इसको, वो हमारा हो जाएगा थ्री, जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने उतना ही हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करने होंगे। वन हमारा रूट थ्री बन चुका है तो हमारा रूट थ्री थ्री बन जाएगा, तो हम यहां पूरा ए बी सी डी
यानी B से D तक की दूरी को हमको लिखना पड़ेगा थ्री। BC हमारा एक, B से D हमारा तीन, इसका मतलब है C से D हमारा दो होगा। शंभु कुमार सुमन जी कह रहे हैं सर मेरा LP मालदा में हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन शंभु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। राहुल कुमार सर अप्रैल में शादी है, 3 अप्रैल को इनविटेशन कार्ड लेकर आएंगे सर पूरे प्लेटफॉर्म को। बिल्कुल एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब के लिए भी और शादी के लिए भी, बिल्कुल। तो ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब इस पर हम जो है मिटा देते हैं इसको। 30 और 60 में ही बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। सुवर्ण कुमार जी बोल रहे हैं एक बार फिर से सर, बिल्कुल एक बार फिर से हम इसको लेकर देखते हैं। आप समझ जाएं उसके लिए ही हम पढ़ाते हैं। 60 डिग्री जो है हमारा, 60 डिग्री हम लेते हैं 60, तो tan 60 हम जानते हैं रूट थ्री होता है 1 होता है, तो रूट थ्री हमने इसको ले लिया और ये हमने 1 ले लिया, ठीक है। और 30 डिग्री हमारा है, 30 डिग्री में हमको चाहिए 1√3, लेकिन हमने लंब को यानी परपेंडिकुलर को हम लिख चुके हैं √3, हमें लिखना था 1/√3, हम लिख चुके हैं √3 यानी √3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सुरेंद्र कुमार जी, सर जी मैं आपकी सभी मैथ क्लासेस वीडियो देखता हूँ फ्रॉम दिल्ली से। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप लोग के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे क्लास में पढ़ी भी हूँ, प्रीति कुशवाहा। बिल्कुल आप पढ़े हैं, मुझे खुशी है, आप लोग का जॉब भी हो रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए प्रीति जी। 1/√3 तो हमने जो है √3 से किया तो हमारा हो गया 3। यानी अगर हम लंब को लिखते हैं √3 तो ये हमको लिखना पड़ेगा 3। और जब हमारा BD पूरा 3 है, BC हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको ये रेशियो क्लियर हुआ होगा, हम आगे इसको देखते हैं करके। ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ये दो जहाज हो गए, यहाँ हमने 30 लिया, यहाँ हमने 60 लिया, ठीक है। आप 30 को भी पहले ले सकते हो, 30 को भी आप पहले ले सकते हैं, बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। बस हम बार बार कह रहे हैं कि वो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपका जो है जल्द जोर घटाव में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं जैसे कर रहा हूं आप उसी तरह प्रकार से कीजिए। 30 है और 60 है तो हम पहले 60 लेंगे, क्योंकि 60 पहले लेने से हमारा फ्रैक्शन जल्दी नहीं आता है। तो 60 आप लीजिए, 60 हम लेते हैं तो √3 और 1, और हमने 30 में हमें लेना है 1। अभी तुरंत हमने सिखाया कि आपका √3 बन चुका है, 1√3 बन चुका है, तो हमारा जो नीचे वाला होगा √3 वो हमारा 3 बन जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी होगी 4। सर रेगुलर वीडियो डालिए सर, एक बेरोजगार, वाह एक बेरोजगार, बिल्कुल रोज वीडियो डालेंगे हम, कोशिश लगातार करते रहे हैं। और एक ऐसा हम सैटरडे को लाने वाले हैं जिसमें आप कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे क्वेश्चन और मैं उसका सॉल्यूशन हर एक शनिवार को करूंगा, उस पर मैं सोच रहा हूं, मैं आपको जल्द ही वो टाइम बताऊंगा जिसमें लाइव आकर आपके सारे सॉल्यूशन को मैं हैंडल कर सकूं। फिलहाल आप इस पर फोकस रहिए। तो ये हमारा जो है √3 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, √3 बन चुका है, तो √3 हमारा 3 बनेगा, टोटल दूरी हमारी 4 होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 30 डिग्री आप पहले लीजिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि 30 आप पहले लीजिए। बिल्कुल हम 30 आपको पहले लेकर हम दिखाते हैं, 30
30 में हमने लिया 1 और पूरा लिया हमने रूट 3, क्योंकि हम जानते हैं 30 में हमारा 1 होता है और रूट 3 होता है, ठीक है। अब रह गया 60 की बात, तो 60 हमको लेना है 60, हमको लिखना होगा रूट 3 बाय 1, लेकिन हम रूट 3 को जहां लिखना था वहां हम लिख चुके हैं 1, मतलब रूट 3 को हमने बना दिया है 1। अब 1 बना दिए हैं, इसका मतलब है कि हमने रूट 3 से डिवाइड किया है उसे, इसका मतलब हमको 1 को भी रूट 3 से डिवाइड करना होगा, तो हो जाएगा हमारा 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। यानी हमको 60 में अगर ये 1 रखना है तो हमको रखना पड़ेगा इसको 1 बाय रूट 3, तब आपका C से D की दूरी हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 बराबर 2 बाय रूट 3, फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन में आ गया तो फिर आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा उस तरीके से थोड़ा जल्दी नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग 60 पहले लेते हैं, कभी कभी हम 30 पहले लेंगे जहां पे आपका जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो सके। क्लियर है, यहाँ पे आपका सब क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा सब, ठीक है। तो हम इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं इस पे कि हमारा क्या होगा क्वेश्चन पे, तो देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन लेकर। अरे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं इस पे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसे बना सकते हैं, बनाकर आप देखिए, बनाकर देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का पेड़ दिया गया है, आंधी से 20 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी। तो हमारा ये पेड़ है और मान लीजिए यहां से हमारा टूट चुका है, बी पॉइंट से टूट चुके हैं, वो भी 20 मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर की ऊंचाई से पेड़ आपका टूट गया है। अब यहां से हम देखेंगे पेड़ आपका टूट के यही भाग टूट के आपका डी पॉइंट पर जाके टच कर गया है, ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का कहता है, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई बताइए, मतलब हमको ए से सी तक की दूरी हमको चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको रेशियो से लेंगे, 30 डिग्री, अभी हमने तुरंत आपको बताया कि 30 डिग्री जो है हमारा ये होगा 1, ये होगा रूट 3, तो ये होगा हमारा 2, तो ये हमारा यहां से यहां तक वही भाग है जो ऊपर से टूट के गिरा है, तो ये हमारा भी 2 हो जाएगा, तो पूरी दूरी पूरी ऊंचाई हमारी हो जाएगी 3। क्लियर होगा अमित कुमार, ऑसम, थैंक यू अमित जी, 3 हमारा हो गया है। तो आप देखिए हम कंपेयर करेंगे इसका इसके साथ, हम कंपेयर करके देखते हैं कि इसका इसके साथ, तो आप देखिए यहाँ पे 20 है तो हमारा 1 है, यानी 1 में हमारा हो रहा है 20, 1 में 20, तो हमारा पूरा ऊंचाई चाहिए यानी हमको चाहिए 3, तो 3 में हमारा होगा 60,
यानी आंसर हो गया हमारा 60 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। विनोद सोनी जी, लव यू सर, मिस यू सर, क्लास आपका मिस कर रहे हैं, हम भी आप लोग को बाबू बहुत मिस कर रहे हैं एकदम। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबका, क्लियर होगा 60। शुभम कुमार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही जवाब है आपका। एक बार फिर से मैं समझा दूं, रूट 30 डिग्री है तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा रूट 3 और ये हमारा 2, यही पार्ट है ये पार्ट, तो 2 हमने हो गया यहाँ पे, तो हमारा पूरा ऊंचाई 3 होगी, तो हमारा 1 में 20 हो रहा है तो हमारा 3 में 60 होगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट, हमने उन क्वेश्चनों को ही लिया है जो आपको जो है एग्जाम में बहुत सारे होते हैं, मैथ टेस्ट में भी बहुत सारे मिल जाते हैं। विनोद सोनी सर, हम आपसे बोले थे कि आप भी लाइव आइए, क्योंकि आपसे मैंने अप्रैल वाला एनटीपीसी का बैच में आपसे भी मैथ पढ़े थे। बिल्कुल लाइव, तो आपके अनुसार ही हम लाइव आए हुए। विनोद सोनी जी थैंक यू, आप इसके मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी भी जो है फर्ज बनता है मेरा कि आपके प्रति हम सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 35, ठीक है। कहता है एक पेड़ आंधी से टूट गया, फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही क्वेश्चन है, एक पेड़ आंधी से टूट गया है और उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? ए बी सी डी, 30 दिया हुआ है, अभी तुरंत हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत हमने देखा कि 30 डिग्री में ये 1, ये रूट 3, तो ये 2, ये और ये हमारा 2 होगा, तो पूरा हमारा 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपेयर करके हम देखते हैं कि हमारा रूट 3 है तो ये हमारा रूट 3 में कितना, 30। अब हमको चाहिए पेड़ की पूरी ऊंचाई, मतलब हमें चाहिए 3, तो 3 आप निकालिए, 30 बाय रूट 3 इंटू 3, और आंसर आप देख रहे हैं कि हमारा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है, आप इसको जो है रेशनलाइज कर सकते हैं रूट 3 रूट 3 से, तो हमारा 30 तिहाई 90 और ये 3 काट दिया हमने, 10 हो गया, 10 तिहाई 30 रूट 3, हमारा आंसर 30 रूट 3, ठीक है। अंकुश जायसवाल, कोई भाई बताओ एलपी की तैयारी कैसे करें? एडवांस पढ़ाइए सर, बिल्कुल एडवांस का कल से बैच, ये आपका क्लियर है। गौरव कुमार सर प्लीज एडवांस मैथ पढ़ाइए, बिल्कुल कल से बैच ही हमने दिया है आपको, हम बार बार बोल रहे हैं, कल से जो है 25 फरवरी से सुबह 8 से 9 हमने एडवांस मैथ का बैच रखा है, एडवांस मैथ जो आपके टोटल ड्यूरेशन होंगे 4 मंथ्स, एकदम फाउंडेशन की तरह आपका चलेगा 4 मंथ्स, जिसमें आपको जो है कोऑर्डिनेट टोटल 4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एलजेब्रा में टोटल आपका 6 चैप्टर चलेंगे, ज्योमेट्री में आपका 5 चैप्टर चलेगा आपका, प्रोबेबिलिटी में आपका जो है 1 चैप्टर चलेगा, ट्रिगो में आपके टोटल 9 सेक्शन है, 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स चलेगा एलजेब्रा, मेंसुरेशन टोटल आपका 9 सेक्शन है आपका इसमें, ठीक है, और फिर उसके ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, ट्रिगो और मेंसुरेशन, इतना आपका चलेगा 4 मंथ्स, फाउंडेशन की तरह ही है, फी बहुत ही कम है 550, ठीक है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एडवांस मैथ कल 8 से 9 है
और 9 से 10 आपका फाउंडेशन है, नहीं ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन क्लास होगी जीरो लेवल से, बिल्कुल राजू कुमार जी जीरो लेवल से होगा। कल आपका जो है 8 से 9 में स्टार्ट हो रहा है और 9 से 10 में आपका फाउंडेशन बैच। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 हो गया आपका, 36 कहता है बिर्च की चोटी से एक दर्शक जमीन पर कुछ दूरी पर स्थित एक पोल की चोटी एवं आधार को देखता है एवं अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 पाता है। तो अभी आप जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों हमारे जो है बराबर होते हैं, तो हम अवनमन कोण ना बना के हम उन्नयन कोण ही बना लेते हैं। कुछ दूरी पर स्थित एक पोल की चोटी एवं आधार को देखता है। अब समस्या विद्यार्थी क्या कहते हैं कि आप सर कैसे जान जाते हैं कि ये जो है हमारा कौन सा बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीच की चोटी से एक दर्शक जमीन पर यानी ऊपर से नीचे देख रहा है स्थित एक पोल की चोटी को देखता है। यहाँ देखा यानी आंख यहाँ है और यहाँ देखा, सिंपल सी बात है, ये आपका बड़ा होगा, यहाँ पे उसने देखा है और वहां पे 30 डिग्री का अवनमन कोण देखता है, यानी ऊपर हमको बनाना था लेकिन हमने बनाया नीचे क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण का बराबर है। राहुल कुमार बनवाल जी अर्थमेटिक का कितना फी लगेगा सर? 2550 आपका बाबू लगेगा और कल से ही आपका शुरू हो रहा है 9 से 10 सुबह में, एकदम जीरो लेवल से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन आपका जो है ये चलेगा टोटल आपका बेसिक लेवल से, फिर उसके बाद ही ये चारों के बाद ही हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 30 डिग्री है हमारा और फिर कहता है जड़ को वो देखता है तो वहां पे उसका बन रहा है 60। तो कहता है कि यदि वृक्ष की ऊंचाई 12 है, ये हमारी वृक्ष की ऊंचाई जो है 12 दी गई है, तो कहता है पोल की ऊंचाई बताइए ए बी सी डी ई और हमें चाहिए ये, इसका मतलब हमें ई बी मालूम चल जाए तो आपका सी डी मालूम हो जाएगा। किस लेवल का क्लास होगा? मुन्ना जी बोल रहे हैं एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से चलेगा ताकि आपको मेरे किसी भी क्लास में मैथ टेस्ट हो चाहे या कोई भी डिस्कशन में हम ले रहे हैं और बात आपको जो बहुत सारा जो है बेसिक लेवल नहीं जानते हैं, इसलिए हम दिए हैं फाउंडेशन कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो ताकि कोई भी क्लास में आप जो है फुर्ती से या क्विक रिवीजन करके आप कोई भी विषय की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा जो है फिगर है और आप जानते हैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पे कॉमन सिर्फ एक बात है कि आपका फिगर बनना चाहिए। फिगर आपने सही बनाया तो आप समझिए कि 80% सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, 80% सवालों को। तो आपका फिगर सही बनना चाहिए तो हम फिगर हमने बना लिया है। अब देखिए रेशियो कैसे इसका रेशियो हमारा जो है हो पाएगा, तो ये हम देखते हैं रेशियो को। यहाँ पे हमारा 30 है और यहाँ पे हमारा 60 है, ठीक है। अभी हमने बताया किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, 30 को भी पहले ले सकते हैं, 60 को भी पहले ले सकते हैं, बस देखना है फ्रैक्शन किस में नहीं आ रहा। तो हमारा 30 में नहीं आएगा, आप करके देखिएगा, 30 हमारा होता है 1 और ये होते हैं हमारे रूट 3। लंब हमारा 1, ये हमारा हो गया रूट 3। अब चूंकि ये है जितना वही इतना होगा तो हमारा ये हो गया रूट 3, क्लियर है। तो ये रूट 3 हो गया हमारा। तो सवाल है कि 60 डिग्री है हमारे पास, तो 60 डिग्री में हमारा होना चाहिए रूट 3 1, रूट 3 1 होना चाहिए, लेकिन हम 1 के जगह पर लिख चुके हैं रूट 3। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको बताया था कि रूट 3 हमने लिख दिया है और तो रूट 3 को हमको लिखना पड़ेगा 3 क्योंकि हमने इधर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हमारा रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा रूट 3 हो गया। तो बाबू ये टोटल कितना हो जाएगा?
थ्री हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा थ्री हो जाएगा। तो ये थ्री टोटल, ये वन, तो ये हमारा कितना, दो। ये दो मतलब ये भी दो, और हमको यही चाहिए। हमारा ये पूरा बारह दिया हुआ है, रेशियो में तीन हो रहा है, तो तीन में हमारा बारह, तीन में बारह तो एक में चार, तो हमारा ये चाहिए। ये मतलब हमको ये चाहिए, मतलब दो निकालना है, दो में हमारा हो गया आठ, और यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? फिर से मैं एक बार समझा दूं, ये हमारा 30 डिग्री में वन है, ये रूट थ्री है, तो हमारा 60 में वन बन चुका है, चूंकि रूट थ्री है तो वन बन चुका है रूट थ्री, तो हमने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो रूट थ्री हमारा बन जाएगा थ्री। ये पूरा हमारा थ्री, थ्री में हमारा बारह, तीन में हमारा बारह, तो एक में चार, तो हमारा दो में कितना, आठ। बिल्कुल आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी फ्री में भी क्लास लीजिए सर, गौरव सर, गौरव कुमार बोल रहे हैं। बिल्कुल गौरव बाबू, हम बहुत सारा फ्री क्लासेज आपके लिए हम सैटरडे को चलाते हैं ऑफलाइन में, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी पूछने आते हैं उस टाइम में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ और मैं समझता हूँ आपके बात को, इसलिए जो है हम फ्री क्लासेज भी देते रहते हैं। आप सिर्फ स्टडी कीजिए, आप जितना रिजल्ट दीजिएगा उतना जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग और प्लेटफॉर्म कोचिंग के थ्रू देव आर्यन सर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपके बदौलत ही हम लोग यहां तक लेवल तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे वगैरह सब में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कहता है जब सूर्य का अवनेकोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है, ये हमारा खंभा है, यहाँ पे सूर्य है और 30 से बढ़कर 60 हो जाते हैं, इसका मतलब 30 हमारा ये है और 60 हमारा इधर होगा। आपको हम पहले ही बताया कि इस तरफ आप जितना बढ़ेंगे एंगल का मान बढ़ेगा, उधर आप जितना घटेंगे एंगल का मान आपका घटेगा। ठीक है, तो ये हमारा 30 है, ये 60 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मीटर छाया घट जाती है। ए बी हमारा खंभा हो गया जहां से सूर्य की रोशनी चल रही है, और सी डी दो पॉइंट है जहां पे 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। पहले छाया थी बी से डी की, दूरी थी बी से लेकर डी तक, फिर छाया जो है अब हो चुकी है बी से सी तक, यानी यहां से यहां तक 5 मीटर उसकी छाया कम हो चुकी है। जमुई में आपका टेस्ट क्लास ले रहे हैं सर, बिल्कुल गौरव जी, एकदम टेस्ट दीजिए, टेस्ट आपका जो है मैथ्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट का है, आपका टेस्ट आपको इम्प्रूव करता है, आपको अपडेट करता है, आपके स्पीड को जांच करता है, आप एकदम बिल्कुल, टेस्ट तो एकदम मस्ट है। अगर आप किसी कोचिंग में जाकर नहीं दे रहे हैं तो आप घर पे भी एक ग्रुप बनाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जल्दी मैं एक बैच लाऊंगा जो आपके सारे कमेंट्स, सारे आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, इसका फिगर हम किस तरह से हम बनाएंगे इसका। ये हमारा 30 है, ये हमारा 60 है, 30 पहले ले सकते हैं, 60 बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे 60 पहले लेने से फ्रैक्शन नहीं आएगा। 60 हम लेते हैं रूट थ्री, और ये हमारा 1, 60 और ये 1, और 30 डिग्री में फिर वही बात हमने थोड़ी देर पहले शुरू में बताया था, ये हमारा 1 रूट 3 बन चुका है, तो रूट 3 हमारा 3 बन जाएगा और ये हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है, तो आप देखिए 2 में हमारा 5 हो रहा है, 2 में 5, 2 में 5, तो
तो हमको मालूम करना है इसकी ऊंचाई यानी रूट थ्री। तो रूट थ्री में हमारा कितना होगा, फाइव रूट थ्री बाय टू, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा है तो आप 5 × 1.732/2 अगर आप डिवाइड करते हैं 4.33 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। फिर से मैं बता दूं, दो में आपका पांच, दो में पांच, तो आपका रूट थ्री में कितना, यही आपको चाहिए था। रूट थ्री में हमारा 5√3/2 यानी 4.33। उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन पे क्लास चलेगा क्या सर जी? बीजू कुमार जी बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल नहीं, फिलहाल आप लोग के समक्ष मैं रेगुलर आने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आ जाता हूं तो फिर अब धीरे धीरे हम देंगे बैच आपका। विनोद सोनी जी कह रहे हैं, सर एक टारगेट बैच स्टार्ट कीजिए जिसमें मेरे जैसा सब दोस्तों का मैथ रिवाइज हो सके। बिल्कुल विनोद सोनी जी, हम कोशिश करेंगे आपको। सर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लास भी लीजिए, ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ लेकिन लाइव वो नहीं चलता है, आपका यूट्यूब पे नहीं मिलता है। ब्रांचेज में आप अपने आसपास ब्रांच देखिए, प्लेटफॉर्म का ब्रांच कौन सा है, आप उसमें जाके टेस्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन आप बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप बेहतर तरीके से पकड़ में क्वेश्चन पर आप ग्रिप बनाते हैं तो आपका एग्जाम आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा, रिजल्ट होंगे ही होंगे आपके। आप कोशिश कीजिएगा, रिजल्ट आपका जरूर से जरूर होगा। ठीक है ना, कोशिश अगर आप करते हैं, आप इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, उसके अगली बार होगा, लेकिन अगर आप कोशिश लगातार जारी रखते हैं तो आपका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर होगा। उदास होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने सच ही कहा है कि मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, किसी ने सच ही कहा है कि मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते हैं। यही चीज होता है हमारी लाइफ में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 38 तो एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, विनोद सोनी जी वाह वाह थैंक यू, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। तो ये हमने 100 मीटर ले लिया और टावर के शिखर से कार को देखता है, यहाँ पे कार को देखा, ये भी हमारा 100 मीटर है, हमने देख लिया यहाँ पे 30 डिग्री के अवनमन कोण। हम बार बार बोल रहे हैं अवनमन कोण ऊपर बनता है लेकिन हम नीचे ही बनाएंगे। चलते हुए देखता है, कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, सी डी, और यही हमको चाहिए, सी डी चाहिए। 60 और 30 का रेशियो हम पहले भी बता चुके हैं, 60-30, ये हमारा 60 है तो रूट थ्री 1, ये हमारा 30 है तो रूट थ्री और ये 3, तो हमारा बच जाता है 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट थ्री में हमारा हो रहा है 100 मीटर। तो हमारा यहां वाला मान चाहिए यानी हमको चाहिए 2 चाहिए, इसका मतलब हमारा होगा 200/√3, 200/√3। अब ये आंसर नहीं दिख रहा है तो हम रेशनलाइज करेंगे, √3 से तो हमको मिलेगा 200√3/3 और आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, √3 में हमारा 100 हो गया, 2 में
दो में हमको चाहिए, दो में हमारा 200 बाय रूट थ्री, रेशनलाइज हमने कर दिया है, 200 रूट थ्री बाय थ्री हमारा राइट आंसर है। रेशियो मेथड बाबू जो है बहुत कमाल की चीज है, आप जो है बहुत तेजी से आप रेशियो को लगा के आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सौरभ तिवारी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। समुद्र में दो जहाज दिया गया है, क्वेश्चन को आप एक बार बारीकी से पढ़िए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, निकालना कुछ और है, निकाल कर कुछ और आ जाते हैं। समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चलते हैं, ये लाइट हाउस है हमारा, और दोनों ओर कहने का मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड। जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 45, किधर भी आप 30 रख सकते हैं, कहीं भी आप 45 रख सकते हैं, दोनों की इधर उधर करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, सर आप थोड़ा उसको स्लाइड करके देखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। सर दो कहां से आया, राहुल कुमार बर्नवाल जी बोल रहे हैं, आप पीछे वीडियो करके देखिएगा, रेशियो हमने बताया है शुरू में कि आपको यहाँ पे दो कैसे आया था, आप पीछे करके देखिएगा। 30-45 यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर आपका ऊंचा है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बात बताइए। पायल कुमारी हाय सर, हेलो पायल जी, ये आपका दिया हुआ है, चलिए हम रेशियो इसको तैयार करते हैं। रेशियो आप किस प्रकार से बना सकते हैं, ये हमारा 30 है और ये हमारा 45 है, ठीक है, किसी को भी आप लेकर बना सकते हैं। हमारा ये 1 है तो 30 में ये आपका रूट 3 हो जाएगा, 45 है तो 1 है हमारा, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, पूरा हमारा डिस्टेंस होगा रूट 3+1। शुरू में ही हमने जो है इस रेशियो का जो है प्रयोग आपको बता दिया है, आप अगर दिक्कत होता है तो आप पीछे करके वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यानी 1 में 100, 1 में हमारा 100 हो गया है, तो हमें चाहिए √3+1, यानी हमारा आंसर होगा 100√3+1, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको आंसर नहीं दिख रहा है तो आप समझिए कि रूट थ्री का वैल्यू रखा गया है, रूट थ्री का वैल्यू 1.732, तो 1.732 अगर आप रखते हैं तो आपको मिलता है, 1 जुट जाएगा तो आपको मिलेगा 2.732, तो 2.732 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स आपको मिलता है 273 मीटर, और ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, 275 मीटर नहीं गौरव जी, 273 मीटर अप्रोक्स। हाँ बिल्कुल, टाइपिंग आपका मिस्टेक हो गया है, क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर होंगे ये। नेक्स्ट, आज के बाद जो है आपका रेशियो मेथड छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मुन्ना कुमार जी जवाब दीजिए सर प्लीज, सर क्या जवाब दें, आप क्वेश्चन पूछिए तो सही, जवाब तो बिल्कुल देंगे। क्या क्वेश्चन है आपका, आप पूछिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव कुमार लव यू सर, लव यू गौरव जी, सर आप हैप्पी रहिए, बिल्कुल हम हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, आप लोग के जॉब होता है तो हम बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। डायनेमिक आर्यन गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आर्यन जी। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के आपको देखना है, टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर
क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है तो टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई बताना है। तो अब हमको रेशियो मालूम नहीं है, रेशियो मालूम है ही नहीं, तो हमको जो है कुछ ट्रिक पर आपको काम करने पड़ेंगे। यहां से हमने ए मान लिया और यहां से हमने बी मान लिया, इसको हमने एच कर दिया। ये जो है एक दूसरे का पूरक है और पूरक जानते हैं सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू। आप पूरक जानते हैं, पूरक किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो आप कह सकते हैं एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण है। अगर हम इसको थीटा रखते हैं तो इसको आप 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। अगर हम इसको थीटा बोलते हैं तो इसको हम 90 माइनस थीटा कहेंगे, ठीक है ना। किसी को भी आप थीटा, किसी को भी है 90 माइनस थीटा कह सकते हैं आप। एक रिक्वेस्ट है सर कि टाइम एंड डिस्टेंस लेकर आइएगा। बिल्कुल, हम कोशिश लगातार जारी रहेगा, हर एक चैप्टर हम आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो ये हमको डिटेल मेथड, चूंकि हमको आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप इस रूल को जानते होंगे, एच बराबर रूट अंडर ए बी, ठीक है। सर मेरा भाई दीपक पटेल आपके पास इसके बाद के बैच में गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नीतीश जी, बिल्कुल आपके भाई पर ध्यान दिया जाएगा। बोलिए, लगातार आप वो हमसे मिलेंगे और जो है क्वेश्चन पूछते रहेंगे, बिल्कुल ध्यान रहेगा आपका। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं इस पे, एच बराबर रूट अंडर ए बी, तो कैसे ये होगा, डिटेल भी लगा के देख लेते हैं, डिटेल मेथड। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी में काम करें, जब भी हम इसमें काम करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। तो एबीसी हमारा दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर एच बाय ए, ठीक है। बाद में टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट में बदल जाएगा तो इसको हम पहले ही कॉट में बदल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सौरभ तिवारी जी 12 फीट, बिल्कुल सही जवाब है, वो आपका रूल दिख रहा होगा आपको। फिर हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में, जब भी हम लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेंगे। तो हम लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच, टेन 90 माइनस थीटा आपका होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हमारा एच, ये हमारा बी, अब ये कॉट थीटा हो गया एच बाय बी, समीकरण दो, ठीक है। कोई भी सवाल को आप डिटेल से बना सकते हैं, समझने के लिए डिटेल मेथड बेस्ट मेथड है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट तरीका को ही आजमाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे टाइम का जो बहुत वैल्यू है, टाइम बहुत कॉस्टली है। समीकरण एक दो को हम देखेंगे h by a, और हमारा जो है h by a दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे cot हमने उलट दिया था तो a by h हो गया, सॉरी। तो हमारा जो है a by h, इक्वेशन फर्स्ट है RHS हमारा a by h, और यहाँ पे h by b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे h square बराबर ab, h बराबर रूट अंडर ए बी, वापस हम इस रूल पे पहुंच चुके, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कुछ ट्रिक्स, फिगर अगर आप याद रखते हैं तो ट्रिक भी आपका याद रहेगा। तो हमारा जो है ऊंचाई निकालना है, हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि 9 फीट है, यहां से यहां 9 फीट, यानी ए का वैल्यू 9 फीट दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 16 फीट। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 16 3 × 4 मतलब आंसर होगा 12 फीट, 12 फीट आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको,
मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके उतने हैंड ओवर रहेंगे आपके मैथ्स। अगर कोई टीचर भी अगर 6 महीना छोड़ देता है तो वो भी अगर आप उससे 6 महीने बाद भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो जिसके प्रैक्टिस रहता है लगातार, हम लोग का जो है दिन रात स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो हर एक क्वेश्चन जो है रेगुलर रिविजन में रहता है, तो हम लोग तो डायरेक्ट आंसर भी टिक मार देते हैं। तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक नदी के दो किनारे के ठीक आमने सामने दो मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर यहाँ हो गया एक मंदिर उधर हो गया। अब कौन सा मंदिर बड़ा है भाई? तो उनमें से एक मंदिर 54 का है, 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शेष पर, मतलब ये 54 वाला जो है आपका बड़ा है और वह दूसरे मंदिर के शीर्ष पर, दूसरे मंदिर के शीर्ष पर और तल के अवनमन कोण यहां पे 30 बना रहा है और यहां पे 60। ठीक है, कहता है तदनुसार उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। उस मंदिर की ऊंचाई आपको ये आपको निकालना है। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि इस टाइप का आपका जो है ये हमारा है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में हमारा रेशियो होगा 1/√3 और 60 डिग्री में हमारा रेशियो होगा √3/1। हम पहले ही बता चुके हैं, आप पीछे भी करके वीडियो देखिएगा, हमने ये √3 कह दिया तो ये √3 हो गया, तो हमारा पूरा हो जाएगा 3। ठीक है, तो बचेंगे ये हमारे 2। ठीक है, तो ये 54 हो गया, 3 में हमारा जो है 54 हो गया, तो 1 में हमारे जो है 18 आ गया। हमको चाहिए 2 चाहिए, 2 में 18 दुनी 36 मीटर हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा आपका। ये रूट थ्री, ये हमारा 1/√3 √3 बन गया है, तो आपका जो है √3 बन जाएगा, तो ये आपके बचेंगे 2। तो ये हमारा जो है 3 में 54, 1 में 18, 2 में हमारा 36, दूसरे मंदिर की ऊंचाई जो है 36 आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जितेंद्र कुमार सर, बिहार एसएससी के लिए मेंस का मैथ्स लेवल क्या रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल लेवल है बिहार एसएससी मेंस का, जैसे आप रेगुलर पढ़ते हैं, मैथ टेस्ट वगैरह सब देते हैं, तो आपका सिर्फ उसी टाइप का जो है सेम क्वेश्चन रहेगा आपका, पिछले बार की तरह ही आपका जो नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको सिर्फ रिविजन होना चाहिए। आप सही तरीके से अगर मैथ को रिविजन कर पा रहे हैं तो फिर आपको बिहार एसएससी मेंस लेवल जो है आप निकाल सकेंगे। बिहार एसएससी मेंस का प्लेटफॉर्म में बैच भी चालू हुआ है, सुबह में 7 से 12 आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट वगैरह सब 28 तारीख से शुरू हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। सोनू कुमार, ग्रेट सर, थैंक यू सोनू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42, एक पर्वत के पाद पर यानी आपका जो है जड़ पर, तो आप जानते हैं पर्वत जो होता है ना सीधा खड़ा तो होता नहीं है, वो उसकी इधर से उधर आपका जो है जड़ रहता है, तो हमने ये यहाँ पे जड़ फैला हुआ है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में कहता है 45 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। एडवांस भी रहेगा, बिल्कुल एडवांस भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके बिहार एसएससी में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 45 है और 45 के बाद 30 डिग्री के आनति पर, यानी 30 डिग्री के ढलान पर अगर आप बढ़ते हैं, कितना बढ़ने का रहा है तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बढ़ने का रहा है, और बढ़ने के बाद उस पॉइंट पर जो एंगल है 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, तो पर्वत की ऊंचाई बताइए, ये आपको ऊंचाई निकालना है। तो आप देखिए
यहां से हमने मिला दिया है तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। 30 डिग्री का रेशियो होता है 1√3 और ये 2, तो 2 पहले से 2 दिया हुआ है, 1√3, तो ये हमारा 60 का रेशियो लगाते हैं तो √3 1, तो ये हमारा 1 है वर्ग है तो सारी भुजा उसकी बराबर होगी 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 हमारा दिया गया है। अब आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, √3 + 1, ये हमारा टोटल ऊंचाई जो है √3 + 1 है, ठीक है, √3 + 1। अब क्वेश्चन में दिए गए हैं कि ये नाम रख देते हैं A B C D और ये E पॉइंट, डी से ई पर गया 2 किलोमीटर गया, रेशियो में भी 2 हो रहे हैं तो 2 में हमारे 2, 1 में 1, ठीक है, और √3 + 1 में हमको मालूम करना है तो √3 + 1 में हमारे कितने हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे जितने हैं √3 + 1, ठीक है, यानी आंसर हमारा √3 + 1 ही होगा, 1 ही होगा हमारा। लव यू सर, यू आर एक्सीलेंट, राहुल सिंह, थैंक यू राहुल जी, लव यू सर बोल रहे हैं, लव यू। √3 + 1, एक बार फिर से हम इसको समझते हैं, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये 30 डिग्री के आनति, आनति मतलब था स्लोप, ढलान, ठीक है, ढलान की ओर वो धीरे धीरे बढ़ता है तो 2 किलोमीटर जाने के बाद एक पॉइंट ई आता है जहां पे उसको रुकना है और वहां पे वह 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद तो हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री में हमारा 1 हो गया है, 1√3 और ये 2, रेशियो में 2 होता है, रियल में भी 2 किलोमीटर कह रहा है, अगर आपका 4 किलोमीटर कहता तो हम लिखते 2 में 4, 1 में 2, तो √3 + 1 में 2√3 + 1 ऐसा लिखते, लेकिन हमको 2 में 2 ही दिया गया है। अब ये चूंकि वर्ग बन जाता है यहाँ पे तो ये 1 है, 60 डिग्री रेशियो √3 1, हमारा सभी भुजा 1 होंगे, ये भी 1, यहां से यहां तक की दूरी आपकी निकल जा रही है √3 + 1, तो आपका जो है 2 में 2 √3 + 1 में √3 + 1 ही होगा। क्लियर है सौरभ तिवारी जी, क्लियर है, कमेंट में डालिए, हमने आपके कहने पर एक बार फिर से बता दिया है। रेशियो मेथड बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको सीखिए बढ़िया से और उसको लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हवाई जहाज जो जमीन से लंबवत उड़ रही है, 43। सौरभ तिवारी जी, यस सर जी, बिल्कुल, अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो मेरा क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, विद्यार्थी समझते हैं तो ही आपका जो है हम सफल हो पाते हैं, आपको अगर हम समझाने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ पढ़ाए हैं। दीपक कुमार जी सर, आपका न्यू फाउंडेशन बैच कब आ रहा है, कल से आ रहा है बाबू, कल से आ रहा है, 9 से 10 में आपको आना है, आपका न्यू फाउंडेशन बैच है ये, न्यू फाउंडेशन बैच कल से है ये, और टाइमिंग है 9 से 10, फी है उसका 2550, ये आपके चलेंगे, पूरा बेसिक लेवल से आपका चलेगा, ठीक है। प्रिंस पासवान जी सर, हम पुराना नमूना है आपके बिल्कुल 2550 आपका फी लगेगा, कल से स्टार्ट होगा 25 फरवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखते हैं, एक हवाई जहाज जो जमीन से लंबवत उड़ रही है, हमने लंबवत रख दिया है, अब कहता है हवाई जहाज का उन्नयन कोण 1 किलोमीटर दूर रखे 2 पर्वतों से क्रमशः 45 और 60, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं लिखा यहाँ पे कि 1 किलोमीटर दूर रखे दोनों तरफ है या फिर एक ही तरफ है, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि एक ही तरफ,
यानी चाहे आप इधर रखिए दो पत्थर, चाहे आप इधर रखिए, तो वहां पे क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा, एक ही तरफ आप लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तरफ लेने से आंसर मिल रहा है आपका। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो पत्थर रखे हुए हैं, ए बी सी और डी, दो पत्थरों से क्रमशः 45 और 60, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, जमीन से ऊंचाई कितनी है, तो हम यहां पे देखेंगे 60-45 रेशियो हमारा जो है मालूम है, और ये 100 कितना दिया हुआ है, जमीन से लंबवत उड़ रही है। हम देखते हैं यहाँ पे रेशियो, ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आपका, रेशियो हम निकाल के देखते हैं, 45 एंड 60 का हमारा होता है रूट थ्री वन, थोड़ी देर पहले ही हमने इसका बताया है रूट थ्री वन, तो 45 में हमारा जितना लंब होगा उतने ही आधार होंगे, तो हमारा रूट थ्री है लंब, तो आधार भी आपके रूट थ्री ही होंगे, तो हमारे पास बचता है रूट थ्री माइनस वन। तो आप यहां पे देखिए करके, रूट थ्री माइनस वन दिया हुआ है, उसमें हमारा हो जा रहा है 1 किलोमीटर। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पर्वत, ये हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, ये चाहिए हमको, ये मतलब रूट थ्री, तो रूट थ्री में हमारा हो जाएगा 1/√3-1 और ऊपर हो जाएंगे रूट थ्री। परमेकरण भी हम कर सकते हैं √3+1, √3+1, तो नीचे हो गया 2√3, √3 हो गया 3+√3/2, 3+√3/2 आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन। ऑनलाइन बैच भी आएगा सर जी, ऑनलाइन बैच की हम कोशिश करेंगे, ऑनलाइन बैच आप लोग के समक्ष लाने की, फिलहाल आप क्वेश्चन पे फोकस होइए, सीखिए, हमारा दिया हुआ है √3-1 में 1 किलोमीटर, तो रूट थ्री में हमारा हो जाता है √3/√3-1, और परमेकरण करते हैं √3+1 से, तो हमको मिलता है 3+√3 आपका मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, देखते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अब की बार डबल स्टार, थैंक यू एकदम। देखते हैं 44, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बचेगा। एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है और वो उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ये अधूरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है आपका अधूरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है आपको याद है क्वेश्चन, आपको हम बोल देते हैं। कहता है कि एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है, ये आपका लड़का हो गया जो आपका खेत के बीच में खड़ा है, कहता है उत्तर दिशा में, चलिए हम नॉर्थ साइड ऐसे ना मान के इधर से मान लेते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारे साउथ, ठीक है। मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं, ये तो आपको पता ही है,
नॉर्थ इधर हमने ले लिया, साउथ इधर ले लिया। उड़ती एक चिड़िया को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए ये चिड़िया है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। दो मिनट के बाद यही चिड़िया जो है आपका दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखता है, ठीक है। और यहाँ होना चाहिए कि चिड़िया जो है एक अचर ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब एक ही अचर ऊंचाई है आपका, और वो ऊंचाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 50√3 होना चाहिए यहाँ पे। जो आपका क्वेश्चन अधूरा है आप उसको सही कर लीजिएगा, 50√3 के मीटर के ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो हम देखते हैं रेशियो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस रेशियो को, 60 डिग्री है चुकी। साठ डिग्री है तो 60 डिग्री में हमारा √3 हो जाएगा और ये हमारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री में 1/√3, तो ये √3 हो गए, तो ये आपके 3 हो जाएंगे। टोटल हमारा डिस्टेंस 4 आ जाएगा, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो आपका 4 हो गया टोटल डिस्टेंस, √3 है हमारा, तो √3 में हमारा दिया गया है 50√3। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सही कर लिया होगा। 50√3 तो √3 हमारा कैंसिल, तो 4 में हमारा हो गया 200 मीटर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 200 मीटर है, ये हमको डिस्टेंस मिल चुका है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 मिनट बाद ऐसा होता है। अब आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है पूरी तरह से, इस क्वेश्चन में आपको चाल मांग रहे होंगे, ठीक है, जो 6 आता है हमको याद है क्वेश्चन। आपका 200 मीटर डिस्टेंस हो गया है तो आपको चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमारे पास है 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, ठीक है, 200 बटे 120, और आंसर चाहिए हमको किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 4 से कट गया हमारे, ये हमारा 3 से कट गया और ये 6 किलोमीटर पर आवर उस चिड़िया का स्पीड होगा 2 मिनट में, ठीक है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, क्लास रेगुलर होगा क्या? बिल्कुल, कोशिश हम जारी रखे हुए क्लास आपके रेगुलर करने की। इसे आपने समझ लिया होगा, क्लास आपका रेगुलर ही चलेगा, देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अधूरा था, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को पूरा कर लिया होगा। 50√3 मीटर के ऊंचाई पर यह उड़ रहा था और आपको चाल चाहिए था, स्पीड चाहिए था 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। कहता है समुद्र के किनारे पर स्थित एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अपनी ओर आती हुई एक नाव को देखता है। 10 मिनट में उस नाव का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगी? समुद्र के किनारे, ये हमारा पॉइंट हो गया। मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अपनी ओर आते हुए एक नाव को देखता है। एक नाव को देखा 30 डिग्री, ठीक है। अब कहता है 60 डिग्री हो जाती है 10 मिनट में। अवनमन कोण कह रहा है लेकिन हम बनाएंगे उन्नयन कोण, आपको पता है उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर होते हैं, 60 ये 30 और ये ऐसा 10 मिनट बाद होते हैं। सीधे आधा हो जाएगा क्योंकि हम रेशियो पहले से ही जान रहे हैं, ये हमारा रेशियो पहले से हमको मालूम है, ये 30 है, ये हमारा 60 है, तो ये होगा √3, ये होंगे 1, और ये हमारा जब हमारा ये पूरा √3 हमने लिख दिया 1 को, तो ये हमारा 3 होगा, तो हमारे बच गए 2। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है 2 है, तो 2 में हमको लग रहे हैं 10 मीटर, ठीक है। तो हमको यहां से यहां तक पूछ रहा है, मतलब 1 में पूछ रहा है, तो 1 में हमारा लगेगा समय 5 मिनट, ठीक है। अहमद सर जी बोल रहे हैं शानदार सर, बिल्कुल एकदम जो है, थैंक यू। ये आप कोई दिक्कत तो नहीं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम सारे सारे क्वेश्चन को एकत्रित करके हम एक बैच लाएंगे जो ऑनलाइन रहेगा आपका, और सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। डाउट क्लास एक तरह से होगा, ठीक है ना। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जहां कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और कल से मेरा बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन आपका जो है 8 से 9, मैं फिर से बता दूं, 8 से 9 एडवांस मैथ चल रहा है, एडवांस मैथ, और 9 से 10 हमारा फाउंडेशन मैथ, ठीक है। आप एक बार इंक्वायरी जरूर करें, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर इंक्वायर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपकी शुभकामना करता हूँ कि जो है आप सक्सेस करें, आप जितना ज्यादा सक्सेस करेंगे उतना जो है मेरी और मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और प्लेटफॉर्म कोचिंग की भी, ठीक है। थैंक यू। आइए आइए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को और अच्छा लगा होगा क्लास आज का भी, सर ने काफी मेहनत भी किया है इसमें समझाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग और कंटिन्यू करेंगे इस बैच को, और बाकी सर ने भी पसीना पसीने हो गए हैं सर, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, और लगते रहिए, कंटिन्यू रहिए, वीडियो देखते रहिएगा हमारे चैनल पे, और आपको और अपडेट्स मिलेंगे। लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको जहां कोई डाउट होता है हम पहले बार बार आपको बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में डाल देना है, कमेंट बॉक्स में जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे उसको सिलेक्ट करके एक आपके लिए डाउट क्लास दिया जाएगा जो आपके डाउट को क्लियर करेगा, ठीक है। आप जितना सक्सेस कीजिएगा उतना मैं सक्सेस होऊंगा, और आपके मेहनत आपको सक्सेस करेगी, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे हम फिर मिलते हैं।